बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला चौधरीवाड़ा में स्थित दानिश होटल पर मामूली विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग हुई है, जिसमें गोली लगने से होटल संचालक का चचेरा भाई घायल हुआ है। तो वहीं सूचना पर कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जबकि पूछताछ के लिए मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल घायल हुए सभी लोगों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद सुरेश कुमार ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना कर घटना की जानकारी ली गई है। फिलहाल पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। वहीं इस घटना को लेकर दानिश पुत्र वहीद ने बताया कि रविवार की दोपहर नगर निवासी युवक उसके होटल पर खाना खाने के लिए आया था। आरोप है कि इस दौरान आरोपी युवक होटल संचालक से कोरमा परोसने के लिए कहने लगा। होटल संचालक ने दावा किया कि शिवरात्रि के चलते होटल पर नॉनवेज की बिक्री बंद है। आरोप है कि मना करने पर वह गाली गलौज करते हुए भुगत लेने की धमकी देते हुए चला गया। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, ये होटल चला दानिश होटल हमारा है। घटना ये हुई, हमारे यहाँ प्रशासन ने बंद करवा रखा है मीट। हाँ, प्रशासन ने मीट बंद करवा रखा है, तो उसके लिए हमारे पास आया, बोलने लगा हमें 1 किलो मीट दे दो। हम कहने लगे सर मीट नहीं है, प्रशासन ने बंद करवा रखा। तो उन्होंने गाली गलौज करनी चालू कर दी। फिर क्या हुआ? गाली गलौज करने हम कहने लगा कि आप जो है अभी मैं आ रहा हूँ, अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें कितने लोग थे वो? फिर 60 से 65 लोग थे। क्या करके गए वो? हथियार थे सबके पास, 30 से 35 राउंड फायरिंग करी है उन्होंने। हमारे भाई के भी गोली लगी और आप होटल में। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम अतीक है, अतीक अहमद। हालांकि कुछ समय बाद वह करीब अपने 2 दर्जन साथियों के साथ होटल पहुंचा। होटल मालिक का आरोप है कि होटल पहुंचने वाले सभी लोगों के हाथों में लाइसेंसी और अवैध हथियार सहित लाठी डंडे थे। आरोपियों ने आते ही उन पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी, जबकि जान बचाने के लिए उन लोगों को इधर उधर भागना पड़ा, जिसके बाद आरोपियों ने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया कि फायरिंग में होटल के बाहर खड़े उसके ताऊ के लड़के अतीक पुत्र अब्दुल अजीज के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हुआ है, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं घटना में आरोपी पक्ष के लोगों ने भी मारपीट और फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल सिकंदराबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी का दावा है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत।